खबर नामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। कोर्ट ने कहा है कि आज दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का जो आदेश दिया गया था वो अब नहीं पहुंच पा रही है। वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था, केंद्र हर दिन कम से कम इतनी आपूर्ति करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कड़ा आदेश पारित करना पड़ सकता है। और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई न कर पाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। केंद्र की याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के नोटिस पर रोक लगा दी थी, लेकिन यह भी कहा था कि केंद्र रात 12 बजे तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को पहुंचाए। हालांकि अगले दिन 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने बताया कि केंद्र ने एक बार फिर से ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी है। गुरुवार को दिल्ली को 527 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली। आज भी अभी तक आ रही सप्लाई बहुत धीमी है। ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली को पूरी आपूर्ति मिल पाएगी। इसे सुनते ही जज नाराज हो गए। और वहीं केंद्र सरकार ने यह भी कहना है कि दिल्ली सरकार जितनी ऑक्सीजन मांग रही है उसे उठा नहीं पा रही है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो कुल जरूरत है उसे बढ़ा चढ़ाकर रखा जा रहा है। इसलिए दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए ताकि दूसरे राज्यों से कटौती करके दिल्ली को ऑक्सीजन ना देना पड़े, दिल्ली की सही जरूरत का अनुमान लगाया जा सके। और अगर दिल्ली में ऑक्सीजन के स्थानीय वितरण में कोई समस्या आती है तो उसे भी दूर किया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि आखिर दिल्ली को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी रही है पिछले कुछ दिनों में। एक तरफ जहां केंद्र सरकार से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी अपनी भी कोशिश है कि हम अपने स्तर के ऊपर जितनी ऑक्सीजन पैदा कर सकें हम वो कोशिश कर रहे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे ये 330 लीटर का एक प्लांट लगाया गया है ऑक्सीजन का, जो कि दिन में 50-60 सिलेंडर भरने की क्षमता रखता है। और अगर सीधे पाइपलाइन से अगर ले जाया जाए तो 33 पेशेंट्स इसके ऊपर 24 आवर्स इस पर किए जा सकते हैं। तो इससे अस्पताल को काफ़ी मदद मिलेगी। 200 बेड का हॉस्पिटल है और 33 पेशेंट को अगर ये केटर करता है तो थोड़ी मदद मिलेगी। इसी तरह के लगभग 48 ऑक्सीजन प्लांट्स हम लोग पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं, और उसमें से 21 प्लांट जो है वो फ्रांस से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं और बाकी हमारे देश से ही हैं। तो ये छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, जो पूरा सिस्टम ऑक्सीजन की कमी की वजह से तनाव में अभी आ गया है। मैं केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन सब के प्रयासों से कल पहली बार हम लोगों को 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिली है। नहीं तो किसी दिन 300 मिलती थी, किसी दिन 320 मिलती थी, 400, 450, पहली बार कल 700 टन ऑक्सीजन मिली है। तो आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में कहीं से कोई इस तरह के मैसेज नहीं आ रहे कि यहाँ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली की ज़रूरत 700 टन ऑक्सीजन की है। अगर हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन मिल जाए तो दिल्ली में अस्पतालों के अंदर फिर समुचित व्यवस्था हो सकती है। जैसे अभी डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था, यहाँ के एमएस हैं, ये बता रहे हैं कि 200 बेड है इनके पास, लेकिन लगभग 40-50 बेड ये भर नहीं पा रहे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल जाए तो 40 बेड यहाँ पे तुरंत तैयार हो सकते हैं। ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन लोगों ने अपने बेड कम कर दिए क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेड नहीं बढ़ा पा रहे। तो एक तो अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट आ जाएगी तो जो सारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के वो अपनी पूरी क्षमता पे काम करेंगे, और कई हॉस्पिटल्स ने हमें कहा है कि वो क्षमता से ज़्यादा भी बढ़ के काम कर सकते हैं, अपने 150 बेड एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी पिछले 3 दिन से दिल्ली में 18 से 45 साल की उम्र के बच्चों का शुरू हुआ है, युवाओं का, और युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। मैं कई सारे सेंटर्स में घूम के आया हूँ और खूब बढ़ चढ़ के युवा आ रहे हैं,
और मेरे पास खूब मैसेजेस भी आ रहे हैं युवाओं के, जिसमें वो लिख रहे हैं कि दिल्ली सरकार का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, स्कूल्स के अरेंजमेंट अंदर जो किया है। तो मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप भी लगवाइए, अपने माँ बाप को भी लगवाइए, अपने घर में सबको लगवाइए। कोई भी अंत पंत में तो वैक्सीनेशन ही इसका सोल्यूशन है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बीमार हो। और डिबेट की शुरुआत करते हैं, इसमें शामिल होने के लिए हमारे साथ वैभव जायसवाल आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, विमल सिंह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विमल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि दिल्ली को एक दिन सिर्फ 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती है, उसके बाद बंद करवा दी जाती है, क्या कारण है इसके पीछे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक दिन नहीं मिला, जो है दिल्ली को 700 टन दिया गया, दूसरे दिन 730 टन दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के कई ऐसे अस्पताल हैं जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रख रहे हैं, जिससे अन्य राज्यों की ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोला है कि किस अस्पताल में कितना ऑक्सीजन दिया जा रहा है, इसको राज्य सरकार ऑडिट करके रखे, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है कि 10 तारीख को जो अगला जो फैसला है 10 तारीख को, उस दिन जो है राज्य सरकारों की भी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार मदद कर रही है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार अपना काम बखूबी निभा रही है। और रही बात की ऑक्सीजन कम होने की बात जो बताया जा रहा है, तो केंद्र सरकार ने बताया कि बहुत सारे ऐसे दिल्ली में अस्पताल हैं जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रख रहे हैं। ऑक्सीजन बहुत सारे अस्पताल हैं जिसमें जो है ऑक्सीजन स्टोर किया जा रहा है। एक बात कहना चाहूंगा काजल जी, ऑक्सीजन स्टोर करने के पीछे आपको क्या मकसद लग रहा है, अस्पताल ऑक्सीजन क्यों स्टोर करेंगे? देखिए, बहुत सारे अस्पताल हैं जो ऑक्सीजन को स्टोर करके इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड ना हो पाए, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ऑक्सीजन वो बार बार स्टोर कर रख रहे हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अस्पतालों में, एक मिनट मेरी बात सुनिए विमल जी, अस्पतालों में मरीजों की मौत हो रही है लगातार, और आपको ये लगता है कि अस्पताल ऑक्सीजन को स्टोर कर रहे होंगे? विमल जी ने खुद कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट से बताया गया है कि लगभग जो है कई ऐसे अस्पताल हैं कि जिसमें स्टोर किया जा रहा है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, कौन से अस्पताल हैं काजल जी, पहले बता दीजिए। काजल जी, मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा, अगर दिल्ली को 700 टन की जरूरत है, अगर दिल्ली का काम 500 टन से भी हो रहा है, तो किसी और राज्य से ऑक्सीजन की कटौती कर ऐसा तो ना हो कि दिल्ली को भी दिया जाए। हो सकता है किसी अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हो। जो बात आपने विमल जी एक मिनट विमल जी, जो बात आपने अभी शुरू की उसको पहले पूरा करिए। कौन से अस्पताल ऐसे हैं जिनके अस्पतालों में मरीजों की मौत हो रही है और वो ऑक्सीजन को सहेज कर रखे हुए, कौन से अस्पताल ऐसे, कहां से आपको जानकारी मिल पा रही है? ये तो स्टेट गवर्नमेंट बताए ना कि किस सरकार को ये कितना। ये बात तो आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनिए, नहीं नहीं काजल जी, आप स्टेटमेंट पढ़ के आइए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑथेंटिक ये बात कही है कि राज्य सरकार जो है ये पता लगाए, और जनता को भी और अस्पताल को भी पता लगना चाहिए कि किस अस्पताल को कितना जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए। पता लगाने में और ऑक्सीजन स्टोर करने में बहुत डिफरेंस है। पता लगाने में और ऑक्सीजन स्टोर करने में बहुत डिफरेंस होता है। आप जो बात कह रहे हैं ना, उसका मतलब आप खुद समझिए। आप जो बात कह रहे हैं, पता लगाना एक अलग बात हो गई, ऑक्सीजन स्टोर करना एक अलग बात हो गई, ये दो अलग अलग बातें हैं। यही लोग हैं जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश बिहार की जनता जो है 500 रुपए 1000 का टिकट कराकर आती है और फ्री में इलाज कर जाती है। यही सत्येंद्र जैन कहते थे कि दिल्ली का अस्पताल जो है भारत के सब राज्यों से अच्छा हमारा अस्पताल है, हम स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे अच्छी देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ एनडी के जरिए कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी जो बार बार ये बात कहते थे, वो अब कहाँ है? वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं।
बात और बात से वो भटक रहे अपने आप, ये बात पिताजी नहीं को थी, ये खुद बात नहीं नहीं थी, बचा बात से रहे। भटक रहे। ठीक है, आऊंगी आपके पास। वैभव जी, आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं ऑक्सीजन का ऑडिट करा लिया जाता है? क्यों बार बार केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, उतनी जरूरत दिल्ली में नहीं है, उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया जा रहा है? मैं अपने साथी विमल जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि IMR की एक रिपोर्ट है जिसमें 967 मैट्रिक टन दिल्ली को आज जरूरत है। अरविंद जी तो कह रहे हैं कि हमें 700 मैट्रिक टन आप प्रतिदिन दे दो, उससे करीब 250 मैट्रिक टन नीचे की बात बोल रहे हैं, 150 मैट्रिक टन नीचे की बात बोल रहे हैं। हमें फिर कितना रहा है, हमें कभी 200 पहुंच जाता है, हमें कभी 350 पहुंच जाता है, कभी 400 पहुंच जाता है। बुधवार के दिन हमें 730 मैट्रिक टन प्राप्त हुआ। बड़ी अच्छी बात थी, अरविंद जी ने खुद सबके सामने आए और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी किया। लेकिन आज हाईकोर्ट से भी पूछा कि ये हमने प्रतिदिन देने के लिए कहा था, एक बार देने की बात नहीं थी कि आप एक बार 700 मैट्रिक टन दे दी और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। दिल्ली को प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन की जरूरत है और IMR की रिपोर्ट की अगर देख ले तो 967 मैट्रिक टन प्रतिदिन दिल्ली को चाहिए। और जहां तक ऑडिट की बात, आपको किसने रोका है? इस समय मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। ऑडिट और ये सारी चीजें आप अरविंद केजरीवाल जी को गलत पाइएगा, जो सजा होगा आप उनको दे दीजिएगा, लेकिन अभी एक एक जान हमारे लिए कीमती, एक एक दिल्ली वासी की जान कीमती है, हमें राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। अगर अरविंद जी सच को मांग रहे एक हैं मिनट वैभव जी, अब मेरी बात सुनिए आप। अब उनका कहना है कि आप ऑक्सीजन के जो सिलेंडर आ रहे हैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको अच्छे से अस्पतालों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिस अस्पताल में जितनी जरूरत है आप उतनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है लेकिन जिस तरीके से आ रही है उसका उतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। एक तो पहली बात की उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, दूसरी बात अगर ऑक्सीजन आती है तो उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो पा रहा जो कि होना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसे हम स्टोर कर लेंगे तो उससे क्या हासिल होगा? हमें आज के डेट में अगर कोई तड़प रहा है तो ऑक्सीजन देना हमारी और केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, हम दोनों लोग को मिलकर काम करना है। लेकिन यहाँ केंद्र सरकार से सूसू मैमे में लगी हुई है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम बिल्कुल मैनेज कर रहे हैं, आप हमें 700 मैट्रिक टन प्रतिदिन दे दीजिए, 9,500 बेड अभी तैयार है दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन के बिना रुके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि हम बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। आप ऑक्सीजन मुहैया कराइए, जितनी तेजी से हो सकता है काम किया जाएगा। मैनेज करने की बात आप करते हैं, यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक ऑक्सीजन से दो दो लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तीन तीन लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये व्यवस्था करनी पड़ रही है। रात में किसी अस्पताल का अगर ऑक्सीजन खत्म होता है फोन आता है, रातों दिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद सब लगे हुए हैं कि वो उस अस्पताल को कैसे, क्या नाम है, ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। इसका उदाहरण आप लोग के द्वारा। ठीक है विमल जी, जवाब दीजिए। ठीक है विमल जी, जवाब दीजिए। मैं बता देना चाहता हूँ वैभव जी को, बहुत दुख के साथ एक MLA ने इन्हें ट्वीट किया था, मैंने भी देखा था, दो दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं अपने पिताजी का जान नहीं बचा पाया @ अरविंद केजरीवाल। मैं कहना चाहूंगा इनका कोई भी जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर नहीं दिखा रहा है। इनका एक जो है, देखिए इनके जो उप मुख्यमंत्री है, सुन लीजिए, इनके जो उप मुख्यमंत्री है और इनके जो प्रवक्ता है और विधायक है राघव चड्ढा, उन्होंने एक जापान से रथ मंगाया था सैनिटाइज करने वाला। आपने देखा होगा प्रथम जब कोरोना काल आया था उस समय उन्होंने जो है फोटो खिंचवाया था उस रथ के साथ, उन्होंने फोटो खिंचवाया था, वो रथ कहाँ गया मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीजें मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जो है सड़कों पे है, इनका कोई भी ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, एनडी न्यूज पे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सुन लीजिए वैभव जी, आपका एक भी जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर नहीं है। अगर जमीनी स्तर पर रहता तो प्रवासी मजदूरों को दिल्ली छोड़कर नहीं जाना पड़ता। उनका एक भी अगर जनप्रतिनिधि, इनका विधायक अगर जमीनी स्तर पर रहता तो हमारे प्रवासी मजदूरों से कहता कि आप दिल्ली छोड़कर मत जाइए, आपके खाने का व्यवस्था हम कराएंगे, आपके आवागमन, आपके संसाधन का जो भी व्यवस्था होगा, जो भी सुविधा होगी वो हम पूरा कराएंगे। लेकिन एक भी इनका जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपस में लड़ने से लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी, आपस में लड़ने से कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी, और ना ही आपस में अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकारें लड़ती रहेंगी तो कोरोना से जंग भी नहीं लड़ी जा सकती। और विमल जी जैसा आप कह रहे हैं अभी अभी कि मजदूरों को उन्होंने नहीं रोका, मजदूरों को खाना नहीं दिया, पहले जब लॉकडाउन लगा था, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, कौन से पहले इंतजाम कर दिए थे मजदूरों के लिए? देखिए अभी जो है माननीय माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि
हमारा लॉकडाउन जो होगा हमारा अंतिम विकल्प होगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, सुनिए सुनिए सुन लीजिए, वैभव जी आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बीच में बोलने की और रोका टोकी करने की कोशिश मत कीजिए, सुन लीजिए। हर जोर के निवेदन, झूठ बोलने का काम ना करिए टीवी पर बैठ के। योगी आदित्यनाथ जी से जिस तरीके से कोरोना में जनता को बेहाल छोड़ दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए बैभव जी, एक ऐसा मुख्यमंत्री भी है, एक ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो कोरोना संकट ग्रसित होकर तो आपको सर माननी चाहिए। सुनिए बैभव जी, एक ऐसा मुख्यमंत्री है देश के अंदर जो कोरोना संकट ग्रसित है, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो भी सुविधा मुहैया करा रहा है। दूसरी चीज है, क्या मुख्यमंत्री है जो इस समय एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, इस समय एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, कैसा मुख्यमंत्री है? निवेदन है, ये एक स्वास्थ्य इमरजेंसी है, इसमें कम से कम अब तो राजनीति छोड़ के जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी को निभाने का काम करिए। आप देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास लेकर चलती है, ठीक है? ठीक है, सबका साथ और सबका साथ सबका विकास कितना है, सबका साथ और सबका विकास दिख रहा है कितना विमल जी? ये सबको दिख रहा है, जो जो लखनऊ से तस्वीरें आती है ना, एक मिनट विमल जी जो एक साथ 15-15 चिताएं जलने की तस्वीरें लखनऊ की सामने आती है ना, वो सबने देखी है, जो लखनऊ से एक साथ 15-15 20-20 चिताएं जलती है वो भी सबने देखा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो सबने देखा है। लेकिन इस समय जो चिंता का विषय है वो दिल्ली है, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। अगर दोनों सरकारें साथ में आ जाए और दिल्ली की लड़ाई को लड़े तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर आपस में लड़ेंगे तो ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अब उनको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, केंद्र सरकार उनको पहुंचाएगी नहीं, जो मरीज अस्पतालों में तड़प रहे हैं वो बचेंगे कैसे? विमल जी जवाब दीजिए, कैसे बचेंगे? क्योंकि दिल्ली के पास इंतजाम नहीं है, ना ही वो इंतजाम कर पाए, एक साल का वक्त तो दिल्ली को भी मिला और केंद्र सरकार को भी। जवाब दीजिए विमल जी, फिर यही सवाल मेरा वैभव जी से होगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार जो है पूरा चरमरा गई है, और ये जो है इनके पास व्यवस्था नहीं है, और ना ही ये, अगर मैं बात करूँ तो 700 पहले दिन 700 टन दिया गया, दूसरे ठीक है उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। वैभव जी यही सवाल मेरा आपसे होगा, एक साल का वक्त तो दिल्ली को भी मिल गया था, बार बार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने से क्या होगा, इंतजाम तो किए जा सकते थे ना। इस समय जो अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरी तरीके से सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, व्यवस्था की जा सकती थी, पूरा एक साल मिला दिल्ली को, पूरा एक साल नहीं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार ने पिछली बार किस हिसाब से अपने मैनेजमेंट को किया था आप सबने देखा है, लेकिन लगातार जब देश में और दुनिया में ये बार बार एक्सपर्ट कह रहे थे कि दूसरी लहर आने वाली है, जहां दुनिया में दूसरी कंट्री फ्रांस इटली ब्रिटेन अपने यहाँ लॉकडाउन जैसी व्यवस्था बना रही थी 6 महीना पहले से, हम क्या कर रहे थे, हम जो है चुनाव की तैयारी कर रहे थे, हम बंगाल में जाकर रैलियां कर रहे थे, शाम को कहते थे कि क्या नाम है, आप घर में रहिए सुरक्षित रहिए, और सुबह जब रैली होती थी तो प्रधानमंत्री जी कहते हुए दिखे, मैंने आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं देखी, ये जनसमूह नहीं देखा, किस तरीके से आप कार्य कर रहे थे, आपका दौरा क्षेत्र देश के सामने आ गया है, आप ये अब नहीं कह सकते कि हमने तैयारियां नहीं की। तैयारी कैसे की जाती है, जो कार्य केंद्र का है ऑक्सीजन प्लांट लगाने से या ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, या आज के डेट में कहा जाए वैभव जी 48 ऑक्सीजन प्लांट, एक मिनट यहीं पर मेरा सवाल सुनिए। मैं अरविंद केजरीवाल को सीएम को अभी सुन रही थी, वो कह रहे थे दिल्ली में 48 ऑक्सीजन प्लांट वो लगाएंगे, जो फैसला अब लिया है, अगर यही फैसला कुछ महीने पहले ले लिया जाता तो इतनी सारी जाने नहीं जाती, और अब भी लगातार मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, और ये प्लांट अब दिल्ली में ही लगेंगे। अब आपको आपको ये भी मालूम होगा कि माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि जान बचाने के लिए जो करना पड़े वो करें, आज ये केंद्र सरकार है जो भी आपको नहीं रोक रही, वरना हमारे हर एक कदम पे एलजी का बहाना लगा के हमें रोक दिया जाता था। हाईकोर्ट ने कहा ये आपकी जिम्मेदारी आप करिए, नहीं तो एनजीटी का मामला लेकर के कोई और मामला लेके आ जाते थे। केंद्र सरकार ने जब पीएम केयर फंड से उस तक न जाने क्या हुआ, वो पैसे इन्होंने कहा किसको दे दिए कोई ऐसा पता नहीं है, पीएम केयर फंड से 8 प्लांट लगने थे, लेकिन वो प्लांट लगे थे क्यों नहीं, वो प्लांट लगाने के लिए जो ठेके थे वो केंद्र सरकार ने अपने अपने द्वारा भेजे, उसका उसकी जो देख रेख थी वो स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा था। दिल्ली में अगर 8 ऑक्सीजन प्लांट आज लगे होते तो दिल्ली जनता को, चलिए प्लांट के पैसे कहां गए उसी का जवाब दे रहे हैं विमल जी, उसी का जवाब दे रहे, बोलिए कहां गए पैसे। मैं आपको बता देना चाहता हूं काजल जी, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री है,
जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, बवाल है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पर्सनल कमेंट मत करिए, क्योंकि क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। आप लोग अपने राजनीतिक मंच से ऐसी बातें कर सकते हैं। इनके सवालों का मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। सुनिए, जनता को जवाब चाहिए, जनता को इनके सवालों का मैं जवाब है। बहुत ही सुन लीजिए, आप जब देख चुनाव में सुन नहीं पाएंगे, जब भी बोला गया तो मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली में जब आग प्लांट लगाने थे, उस समय दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा एक प्लांट लगाया गया। आप दोनों को रोकूंगी इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम दर्शकों को बता देते हैं। छोटे राजन की मौत की खबर एक अफवाह निकली, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छोटा राजन की मौत की खबर थी, एम्स का कहना है कि जिंदा है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, क्योंकि वो कोरोना के चलते एम्स में कुछ दिनों से भर्ती था। अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि इलाज चल रहा है, कोरोना का इलाज चल रहा है। मौत की खबर सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह थी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत की खबर झूठी निकली। दिल्ली के एम्स अस्पताल का कहना है कि वो जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है, कोरोना का इलाज इस समय चल रहा है, क्योंकि कोरोना से संक्रमित छोटा राजन को एम्स में भर्ती कराया था। पिछले कुछ दिनों से एम्स में ही इलाज चल रहा है। आज एम्स की तरफ से खुद कहा गया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन अभी जिंदा है, उसका कोरोना का इलाज चल रहा है। जो मौत की खबर थी सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी, वो खबर सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी, लेकिन कोरोना संक्रमित छोटा राजन का इलाज दिल्ली के एम्स में लगातार चल रहा है। ये एम्स की तरफ से बयान सामने आया है, ये खबर एकदम झूठी और अफवाह। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एम्स की तरफ से बयान जारी किया गया है कि छोटा राजन अभी जिंदा है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, एम्स में इलाज चल रहा है, कोरोना से वो संक्रमित है। हालांकि मौत की खबर जो आई थी वो झूठी थी, वो अफवाह थी। कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मौत के आंकड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं, संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और उसी बीच में ये बड़ी खबर आती है कि मौत छोटे राजन की हो गई, लेकिन ये मात्र अफवाह है। एम्स के अधिकारियों की तरफ से अब बयान जारी किया गया है कि छोटा राजन अभी जिंदा है, छोटे राजन का इलाज चल रहा है, वो कोरोना से संक्रमित है, उसका इलाज चल रहा है। राजीव तिवारी संवाददाता फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव, ये मात्र अफवाह निकली, क्योंकि अब एम्स के अधिकारियों का कहना है कि छोटे राजन का इलाज चल रहा है, वो अभी जिंदा है, क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से बताया गया था कि एम्स के अंदर छोटा राजन की मौत हो चुकी है, मगर वो खबर जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत निकली है, सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी। मगर एम्स के जो डायरेक्टर है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी छोटा राजन जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है, और ये स्पष्ट कर दिया गया है एम्स के डिपार्टमेंट की तरफ से। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये मात्र एक अफवाह थी, छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन अभी जिंदा है, एम्स में उसका इलाज चल रहा है। एम्स के अधिकारियों की तरफ से बयान जारी किया गया है कि कोरोना संक्रमित छोटा राजन का इलाज अभी एम्स में चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबर नामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, करनो निध आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी की अलौकिकता नु बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी।
इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा का सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के जोड़े, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का चोला साहिब, इस तों इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे सुभाए मान ने। गुरु साहिब जी की शांति सरलता अते सहजता दी रूपमानी कर दे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। खबर नामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो ऑक्सीजन पर पूरी तरीके से कोरोना की लड़ाई आ चुकी है। दिल्ली को ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही है जितनी मात्रा में चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार केंद्र सरकार को लगा दी गई है, लेकिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिर्फ एक दिन आती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। विमल जी जवाब दीजिए, क्योंकि जो सवाल है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर उठता है। देखिए काजल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब दिल्ली में 8 प्लांट लगने वाले थे तो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, नहीं जी भैया, दिल्ली में जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दिल्ली में इतना ऑक्सीजन है कि घर घर हम सप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली का स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छा है। तो वो मुख्यमंत्री जी जो है अपना जो भांडा है वो दूसरे पे फोड़ते हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है बात्रा हॉस्पिटल में हमारे 12 मरीजों की जान गई है। उसमें हुआ क्या था, उसमें हुआ ये था कि 12 मरीजों का जान गया और बात्रा हॉस्पिटल की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया कि हमारे पास जो है 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑक्सीजन ऑडिट करके रखे कि हाँ किस हॉस्पिटल में कितना ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल, सुन लीजिए वैभव जी आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, और किस हॉस्पिटल में कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो इससे ये होगा कि जो भी हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन खत्म होने वाली है 2 घंटे 5 घंटे की, उससे ये होगा कि जिसमें अगर 12 घंटे 15 घंटे अगर ऑक्सीजन बचा हुआ उससे ऑक्सीजन ले सकते हैं। एलजी को आप गवर्नमेंट बनाते हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन एलजी मुद्दक है, आपके साथ सांसद मुद्दक है, पूरी की पूरी केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर बैठी हुई है। आपको सर मानी चाहिए कि अगर कोई अस्पताल कहता है कि मेरे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है और आप लोग हाथ पर हाथ बांधते हैं। ये आपसे कहिए ना, बात्रा हॉस्पिटल में SOS किया है, SOS किया था बात्रा हॉस्पिटल में, लेकिन वहां पे राज्य सरकार फेल रही है और राज्य सरकार ने किसके ऊपर ढिढोरा फोड़ा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट का देते आप दोनों को रोकूंगी मैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है कोरोना को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश सामने आया है, 11 और जिलों में शुरू होगा 18 प्लस वैक्सीनेशन अभियान। अब 11 और जिलों में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लगेगी। आपको ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन अभियान 11 और जिलों में शुरू होने के आदेश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में 50% ये वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा आदेश उत्तर प्रदेश के सीएम की तरफ से। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट भी दर्ज की गई है। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए अहम आदेश सीएम की तरफ से जारी कर दिया गया है और वही गिरावट भी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश, प्रदेश में 11 और जिलों में अब 18 प्लस वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। 11 और जिलों में इस अभियान की शुरुआत होगी। 18 प्लस वैक्सीनेशन अभियान 11 और जिलों में शुरू करने के निर्देश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में 50% कार्य क्षमता से ही काम लिया जाएगा, ये सीएम का कहना है। बड़ा आदेश काम को लेकर, व्यापार को लेकर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, ये यूपी के लिए बड़ी खबर है। और अच्छी खबर भी है कि कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से बुरा हाल इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ना तो अब तक संक्रमितों की संख्या कम हो रही थी और ना ही अब तक मौत के आंकड़े कम होने का नाम ले रहे थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, ये राहत की सांस यहां पर। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी इसको कहा जाएगा और सरकार के लिए भी कहा जाएगा। लेकिन अब एक और प्लस पॉइंट कि 18 प्लस लोगों को जो वैक्सीनेशन 11 और जिलों में शुरू होगा ये अभियान।
और चर्चा लगातार जारी है। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी आप जवाब दीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में लगते थे, जितना पैसा दिल्ली की सरकार ने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया है, और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात दिल्ली की जनता कह रही है कि जितना पैसा इन्होंने जो है दिल्ली के, देखिए पहले इनका ये मोटो था, पहले इनका ये मोटो था कि दिल्ली में राशन फ्री, दिल्ली में राशन फ्री, दिल्ली में बिजली फ्री, अब दिल्ली में बहुत से फ्री ले लो भाई। ये वहां का जहां मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, एक एक करके अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, समझ में भी आएगा, दोनों साथ में बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। राजा जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए, देखिए मैं दूसरी बार बता देना चाहता हूँ, वहाँ का मुख्यमंत्री आप लोग यहाँ पर लड़ेंगे तो उससे कोरोना की जंग नहीं जीत ली जाएगी, अगर आप लोग यहाँ पर लड़ेंगे तो कोरोना की जंग नहीं जीत सकते, ना तो दिल्ली जीत सकती है और ना ही देश जीत सकता है। दिल्ली का जो है मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक जितना अच्छा है, दिल्ली के जो भी मोहल्ला है वहाँ का अस्पताल बना दिए है, उसका नाम रखा है मोहल्ला क्लिनिक, उसका दूसरा जो नाम है उसका ये नाम है घोटाला क्लिनिक, जितने घोटाले किए गए मोहल्ला के नाम पे, वो ये बता देना चाहता हूँ, खुल जाएंगे, दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, दूसरी चीज दिल्ली का मुख्यमंत्री जो ये कहता था कि दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है, और वो अपनी पत्नी को प्राइवेट हॉस्पिटल मुख्यमंत्री जी बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं, आप दोनों ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे तो उससे कोरोना की जंग नहीं जीत पाएंगे, ना तो दिल्ली जीत पाएगी और ना ही केंद्र जीत पाएगा, अगर दोनों सरकारें साथ में आ जाए तो कोरोना की जंग को जीता जा सकता है, दोनों सरकारें साथ में आ जाए तो कोरोना की जंग को जीता जा सकता है। विमल जी पहले बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली को हक है उसके अनुसार जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, कब तक मिल जाएगी, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ कम मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करना केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, और केंद्र सरकार नैतिक जिम्मेदारी का अपना निर्वहन करेगी। उसी मैं बात बता देना चाहता हूँ, हमारे मित्र बीच बीच में जो कूदने की बीमारी है ना, बीच बीच में कूदा नहीं जाता है, डिबेट को खराब नहीं किया जाता है, ठीक है, आपकी बात जब होती है तो मैं चुप रहता हूँ, आप मेरी बात जब विमल जी बोलने के लिए मौका दिया जा रहा है तो आप चुप रहिए, इसी बात में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, तो मैं देखिए एग्जांपल बताना चाहूंगा, सुनिए, फिर कूदने लगे, चुनचली मचली नहीं है क्या, सुनिए शांत कीजिए, उस चुनचली को सुन लीजिए मेरी बात, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सुन लीजिए, ऐसे नहीं कूदते हैं डिबेट, ऐसे कूदते नहीं है, प्रवक्ता है या नहीं, ऑथेंटिक प्रवक्ता है या नहीं, आपको बताया नहीं कि आपकी पार्टी की तरफ से कैसे डिबेट किया जाता है, सुन लीजिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काजल जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन ऑडिट किया जाए कि किस हॉस्पिटल में कितना ऑक्सीजन दिया जा रहा है, वो लोगों तक भी पहुंचाया जाए, जो एडवर्टाइजमेंट कराया जा रहा था वो एडवर्टाइजमेंट फिर कराया जाए पेपर में कि इस हॉस्पिटल को इतना ऑक्सीजन दिया गया है, कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई इस हॉस्पिटल में इतना ऑक्सीजन मात्रा मौजूद है। उससे क्या होगा कि जो अस्पतालों में खुदा ना खासा अगर 2 घंटे 4 घंटे का अगर ऑक्सीजन रहे, अगर SOS कॉल जाए स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो स्टेट गवर्नमेंट तुरंत जो है जिस अस्पताल के अंदर, इस ऑडिट करने से ये एक अच्छा निर्णय। वैभव जी ठीक है, वैभव जी जवाब दीजिए। मैं विमल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि IMR जो संस्था है उस पर इनका विश्वास है कि नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो तो कह रही है कि प्रतिदिन दिल्ली को 967 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, ऑडिट तो हम तब करेंगे जब हम इस आपदा से थोड़ा सा हम एक राहत पाए, हम एक किरण उम्मीद की किरण निकले, लेकिन वो भी काम जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी आज के डेट में जो कि हर एक जिंदगी को बचाया जा सके, और जिंदगी बचाने का सिर्फ एक सब इस समय एक ही उपाय है कि हर व्यक्ति को ऑक्सीजन मिले जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। आज दिल्ली के अंदर 42,000 से लेकर 45,000 होम आइसोलेशन में भी लोग मरीज हैं, आप ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर अगर देंगे तो दिल्ली में एक एक जान बचाने की जो जिम्मेदारी है उसका पूरा निर्वाह करने का हमारा कार्य है, हम उसे करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस विधायक ने, किस सांसद ने, किस मंत्री ने क्या गलती है की है,
क्या किस अस्पताल ने क्या गलती की है, वो हम काम करेंगे। लेकिन आज जो परिस्थिति है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। और मैं सिर्फ और सिर्फ निवेदन करके इनसे एक प्रश्न है मेरा, एक साल आपको भी मिला था, एक साल दिल्ली सरकार को भी मिला था इंतजाम करने के लिए, क्यों नहीं किया? एक साल तो मिला था, या सिर्फ केंद्र का इंतजार करते रहे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जिम्मेदारी थी कि हम बेड बनाए, हम इक्विपमेंट्स लगाए, हमने वो व्यवस्था की, पीछे से हमने सीखा, हमने 15,000 बेड की व्यवस्था की। लेकिन जिन गलतियों इतना, से इतना कर लिया तो ऑक्सीजन प्लांट भी लगा ही लेते, इतना कर लिया तो ऑक्सीजन प्लांट भी लगा ही लेते, क्या जा रहा था? जब हमने देखा कि हमें कहीं से भी यात्रा नहीं है, तो अब आने वाले समय में दिल्ली के लिए जो व्यवस्था कर सकती है केंद्र सरकार, हमें उम्मीद नहीं रह गई है, वो अगर जो कर रही है। वैभव जी कई ऐसी उपलब्धियां जो कि आप गिना रहे हैं, ठीक है वैभव जी, कई ऐसी उपलब्धियां जो कि आप गिना रहे हैं। और अभी मैंने बताया था कि सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 48 प्लांट अब दिल्ली में लगाएंगे। अब इतना कुछ कर लिया तो ये 48 प्लांट अब से 5-6 महीने पहले लगा लेते, अब से 5-6 महीने पहले लगवा लेते। अभी अभी ठाकुर जी अभी माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप जो करना है आप करिए, वरना हमारे भाजपा के ही जो साथी हैं वही आरोप लगाते कि हमारे एलजी जो है वो सरकार है। आपने फाइल क्यों नहीं दी? आपने पीछे देखा होगा कि हमें एक एक फाइल पास कराने के लिए कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अब जो हमें अधिकार जब दिए जा रहे हैं, हमें काम करने की छूट दी जाएगी, हम करेंगे। हमारा प्रश्न यह है कि दिल्ली में एक आपदा को देखते हुए 15,000 बेड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस आपदा को बढ़ाने का, रोकने का जो कार्य करना चाहिए था कि आपदा बढ़े ना, रुक जाए, लेकिन इसको पूरी तरीके से बढ़ाने का कार्य कहा जाए तो चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या राष्ट्रपति शासन लगा करके 6 महीना राज्यों को नहीं चलाया जा सकता था? क्या इतना जरूरी था कि देश की जनता की जान से पहले चुनाव आ गए थे? उन्हीं चुनाव का कारण है कि आज देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में हो चुकी है। सुनिए वैभव जी, सुन लीजिए, ये हम नहीं बता रहे हैं काजल जी, ये इनकी रिपोर्ट बता रही है। जनवरी 2021 में इन्होंने 32.52 करोड़ रुपए का विज्ञापन लगाया, जनवरी 2021। फरवरी 2021 में इन्होंने 25.33 करोड़ रुपए का विज्ञापन लगाया है। मार्च में जिस समय देश में हमने दिल्ली में दाखिल कर दिया था, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 92.48 करोड़ रुपए का विज्ञापन लगाया है। दिल्ली की जनता विज्ञापन से भी छोटी है। आप देखिए 150 करोड़ से ऊपर इन्होंने जो विज्ञापन में खर्चा किया है, उसका मैं बता देना चाहता हूँ। मैं आप दोनों से कहूंगी कि देश ऐसे कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। आप उनके विज्ञापन गिनाते रहेंगे, एक मिनट, आप उनके विज्ञापन गिनाते रहेंगे और वो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि हमको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, हमको रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे कैसे देश कोरोना से लड़ेगा, कैसे दिल्ली, कैसे राजधानी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने देखिए स्टेट्स और भी स्टेट्स का डिमांड है। और कोरोना काल ऐसा आ गया कि जिसमें किसी का भी अगर मैं बात करूं, देखिए जितने का ये एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं उतने का अगर ऑक्सीजन प्लांट लगा ले, उतने का अगर ऑक्सीजन प्लांट लग जाता दिल्ली के अंदर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में अभी तक 2020 और 2021 के अंदर कितना एडवर्टाइजमेंट कराया गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देश के गृह मंत्री का पिछली बार उन्होंने संभाल लिया था, गृह मंत्री था, देश के गृह मंत्री था, जिससे जो है पहले चरण में आपके मुख्यमंत्री साहब जा गए थे, मुख्यमंत्री साहब के पास का नहीं था दिल्ली को संभालना। उसी समय दिल्ली के भारत के गृह मंत्री दिल्ली में पूरा सिचुएशन को उन्होंने संभाला था। राजनीति ना करिए विमल जी, आप राजनीति ना करिए, आपकी राजनीति हम नहीं करते ना, राजनीति हम नहीं करते, राजनीति को लोकतंत्र की बात करता है जो सब जानता है कि राजनीति कौन करता है।
आप राजनीति से बाहर निकल गए, विज्ञापन की राजनीति से बाहर निकल गए। वैभव जी आगे का क्या इंतजाम है? वैभव जी ठीक है वैभव जी, क्योंकि समय की भी कमी है, समय की भी कमी, इस तरीके से सार्थक डिबेट नहीं हो पाएगी। ठीक है एक एक करके सुन लीजिए, आप दोनों साथ में बोलेंगे तो सार्थक बातचीत हो नहीं पाएगी यहाँ पर। वैभव जी समय की भी कमी है और एक सार्थक बातचीत हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आगे का प्लान क्या है दिल्ली सरकार का, क्योंकि अभी ये जो खतरनाक दूसरी लहर है, तीसरी लहर और ज्यादा खतरनाक हो सकती है और तीसरी लहर आएगी जरूर, ये एक्सपर्ट का कहना है। अगर दिल्ली की अभी ये हालत है तो आगे जाकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। तैयार है दिल्ली उसके लिए? तैयार है सरकार उसके लिए? तैयार है हमारे अस्पतालों का सिस्टम उसके लिए? क्या आपकी पूरी क्षमता के साथ इस समय दिल्ली सरकार काम कर रही है, लगातार बेस्ट व्यवस्था कर रही है और हमें सिर्फ और सिर्फ एक मदद चाहिए जो केंद्र सरकार हमें इस समय दे सकती है। और केंद्र सरकार की ये जो है आप कर्तव्य भी बनता है कि राज्य जो है उनकी एक सीमा होती है, उसके बाद केंद्र ही वहाँ पे सहयोग कर सकता है। आप हम बेड बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी हमारी, इंस्ट्रूमेंट्स लगाने की जिम्मेदारी हमारी, डॉक्टर हमारी है। आप अगर हमें सही समय से सिर्फ ऑक्सीजन दे तो मैं दावा करता हूं कि दिल्ली के अंदर बेहतर से बेहतर इलाज करने की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ले रही है। और जो थर्ड वेव की आप बात कर रही है उसको हम और यानी कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ही लड़ सकते हैं इस तरीके। विमल जी लास्ट रिएक्शन आपका, समय की कमी, लास्ट रिएक्शन आपका, कैसी मदद की जाएगी दिल्ली को, क्योंकि पूरी तरीके से दिल्ली केंद्र पर निर्भर है? छोटा सा रिएक्शन। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी मदद करेगी, मैं आश्वासन देना चाहूंगा एनडी न्यूज के माध्यम से। और दूसरा से मैं कहना चाहूंगा कि इनके जो है विधायक खुद जो है परेशान हो गए हैं इस सरकार से और वो वीडियो बना बना के बोल रहे हैं ये बात जो है जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी कमी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई देखने को मिलती है। सवाल चाहे राज्य सरकार से किया जाए या फिर केंद्र सरकार से, ना तो वैक्सीन ठीक से मिल पा रही है, ना ही ऑक्सीजन ठीक से मिल पा रही है और ना ही दवाइयां इंजेक्शन ठीक से मिल पा रहे, सिर्फ और सिर्फ हो रही है तो राजनीति। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निधि। इस पावन पवित्र स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस स्थान तक पवित्र खूह है उस खूह विच करवाया। इस स्थान ते 25 सिंघां नूं ला के पहला श्री अखंड पाठ का प्रकाश इस पावन पवित्र स्थान पर होया। जड़ियां निशानियां ने सतगुरु जी दे चौंकी दे पावे कृपाण संख साहब जो सतगुरु जी दी इतिहासक निशानियां ने। नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद कहो नानक ए जगत में किन जप्यो गुरमंत्र। वाहे गुरु।